झारखंड की राजधानी रांची में धर्म परिवर्तन का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक बच्ची को मोहसिन नामक शख्स 4 साल पहले अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसका यौन शोषण करता रहा। तब बच्ची क्लास 7th में पढ़ती थी और उसका यौन शोषण तब तक होता रहा जब तक वह बालिग नहीं हो गई। अभी महज 3 महीने पहले जब वो लड़की बालिग हुई तो मोहसिन ने इस बच्ची के साथ निकाह की आड़ में धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की। आप एक बात बताइए, आप शादी करने गई थी मोहसिन के साथ कि धर्म परिवर्तन इस्लाम धर्म कबूल करने गई थी? शादी करने गए थे। फिर आपको कैसे लगा कि वो धर्म परिवर्तन हो रहा है मेरा? जब शादी करके घर आए उसके बाद पता चला कि वो इस्लाम कबूल करवा रहा है। आप उसके घर चली गई? हाँ। घर पे आपको क्या कहा जाता था? घर में हम बोलते थे कि हमको पूजा करना है, ऐसे करना है, तो वो लोग बोलते थे कि नहीं, अब पूजा वूजा कुछ नहीं करना है, अब रोजा नमाज करना है, बस यही करना है। धर्म परिवर्तन जैसा कि हम लोग एक फुटेज देखे उसमें है कि कलमा पढ़ाया जा रहा है, तो आपको क्या लग रहा था कि उस समय निकाह हो रहा था या धर्म परिवर्तन हो रहा था, क्या आपको कुछ समझ में आ रहा था उस वक्त? हमको बस यही लगता कि शादी हो, लेकिन वो इस्लाम में कबूल कर रहा था और फिर कलमा पढ़ा रहा था, हमको 5 कलमा पढ़ाया था। जबरन या बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन कराना है, अपराध है, क्या आपको जानकारी है इसकी? नहीं पता था हमको। अब आप क्या चाहते हैं, मोहसिन को क्या हो? हम चाहते कि उसको सजा हो। आप एक चीज बताइए कि जब आप क्लास 7th में थी तब वो आपके संपर्क में आया? हाँ। फिर उसके जाल में आप कैसे फंस गई? वो बस मतलब स्कूल आते थे हम, उसके बाद वो आता था वहीं मिलने के लिए और उसके बाद रिलेशन स्टार्ट हो गया। अब क्या आपको नहीं लगता है कि अब आप पुलिस के पास जाएं? पुलिस के पास आपका परिवार कभी गया था? हाँ, मेरा फैमिली गया था, मैं मम्मी गई थी, लेकिन वो लोग उल्टा पुल्टा बोल के गाली देके वो लोग निकाल देता था, बोलता आपकी बेटी ही गलत है। अब आप सिर्फ ये चाहती हैं कि मोहसिन पे कार्रवाई हो या उसके पूरे परिवार पर? हम चाहते हैं कि उसका पूरा परिवार पर, उसका उसकी मौसी पे और उस पे ज्यादा। आप जो कुछ भी बोल रही हैं, क्या कोई दबाव है आपके ऊपर कि आपके मतलब समाज की तरफ से कोई है कि नहीं अब इस तरीके से करना है, कोई दबाव में आप ऐसा बोल रही हैं कि आप एकदम अब चाहती हैं कि आपके धर्म को जबरन या बहला फुसला कर परिवर्तन कराया जा रहा था तो अब कार्रवाई उस पे होनी चाहिए? हाँ, हम चाहते हैं उस पे करवाया जाए, मेरे पे कोई दबाव नहीं है। थैंक यू। अब इस बच्ची को सिर्फ इंतजार है कार्रवाई का। हम आपको बता दें कि चंद साल पहले रांची में नेशनल स्तर की शूटर थी तारा साहदेव, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और मामला राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आया था। उसके बाद से रकीबुल आज तक जेल में है। अब इस बच्ची को एक उम्मीद है कि पुलिस में जाने के बजाय अब पुलिस में जाने के बजाय मीडिया में संपर्क करना ये बताता है कि पुलिस पर से इस परिवार का कॉन्फिडेंस टूट गया है। अब इन्हें न्याय की एक आस लगाए बैठे हैं ये लोग और चाहते हैं कि मीडिया में ये बात आए और उसके बाद प्रशासन और सरकार हरकत में आए। ईटीवी भारत के लिए रांची से मैं राजेश कुमार सिंह।